हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल हेलो को क्रिएशन में। जैसे कि आपको पता है, मैं डेली अपलोड करता हूँ CHS एग्ज़ाम के लिए वीडियोज। मैं क्लास ना 11th की वीडियो भी अपलोड नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जो कि हमारे वाले वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी के तक पहुँचते रहे सबसे पहले। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जो कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचती रहे सबसे पहले। आइए हम शुरू करते हैं, हमारा क्या क्वेश्चन कहता है ये देखते हैं। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट का कौन सा क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है? कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें आपका सही जवाब होगा कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, अगर वीडियो में कोई गलती हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आइए देखते हैं। और लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो में लाता रहूँगा। चलिए आइए देख रहे थे हम, देखते हैं हम। क्वेश्चन था हमारा यही, मैं आपको सही जवाब बताया कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या कहता है। हाउ मच कार्बोहाइड्रेट इज नेसेसरी डेली टू ए मैन? एक मैन के लिए कितना कार्बोहाइड्रेट जरूरी होता, आवश्यक होता है? 300 GM, यस 350 GM, यस 400 ग्राम और 500 ग्राम। इसमें आपको सही जवाब होगा 500 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट एक नेसेसरी मैन के लिए ज़रूरी होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या क्वेश्चन कहता है देखते हैं। हाउ मच एनर्जी 1 GM फैट्स गिव्स? 37 kg ऑफ एनर्जी, 40 kg ऑफ एनर्जी, 35 kg ऑफ एनर्जी, 32 kg ऑफ एनर्जी। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 37 kg ऑफ एनर्जी जो है 1 ग्राम में फैट जो है हमारे 1 ग्राम फैट देता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ प्रोटीन्स? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये सब नाइट्रोजन, ये सब हमारा कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जो हमारा मेन एलिमेंट होते हैं प्रोटीन के। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? नियासिन, थायमिन, रिटिनोल और देखते हैं। और अगला हमारा है ऑप्शन नंबर सी रेटिनॉल और डी है कैसी फिराल। इसमें आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेटिनॉल को हम केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। RBC मीन्स रेड ब्लड कॉर्पल्स वरना सेल बीम को लोग कर सकते हैं। इज आल्सो कॉल्ड क्या हम इसको कर सकते हैं? इथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, बोथ। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए इथ्रोसाइट्स जो हमारा है रेड ब्लड कॉर्पल्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आइए हम देखते हैं। विच इज द मेन ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम? ईयर, ब्रेन। इसमें आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रेन जो है हमारा मेन ऑर्गन होता है नर्वस सिस्टम। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जो कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचती रहे सबसे पहले। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगर चैनल पे ना तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। वॉलंटरी एक्शन इज
ट्रोल्ड बाई सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा और सेरेब्रम। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सेरेब्रम सही जवाब हो जाएगा। जो हमारा है सेरेब्रम वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरेब्रम सेरेबेलम मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। नहीं, इसमें आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी मेडुला ऑब्लॉन्गेटा सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा जो है सही जवाब हो जाएगा। जो हमारा मेडुला ऑब्लॉन्गेटा है उससे क्या होता है, हाँ यहाँ पर देखिए मेडुला ऑब्लॉन्गेटा हमारा लोवेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कॉल दैट प्रोसेस व्हेन द हेवी कंपोनेंट इज मिक्सचर सेटल आफ्टर व्हाट इज एडेड टू इट, सेडिमेंटेशन डिकेशन बोथ नन। इसमें आपको सही जवाब हो जाएगा सेडिमेंटेशन। जो है वो प्रोसेस होता है जब हाइवियर कंपाउंड कंपोनेंट मिक्सचर से आफ्टर बंद हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप रूट चेंजेस इनटू स्टेम फ्लावर, स्टेम फ्लावर लीफ रूट। इसमें आपको सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है टाइप रूट चेंज हो जाता है, रूट जो है टाइप रूट में चेंज हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड कंडेंसेशन इवापोरेशन डिकंडेंसेशन। नहीं, इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इवापोरेशन सही जवाब हो जाएगा। इवापोरेशन हो कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड ट्री श्रब हर्ब। ना, इसमें आपको सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर्ब। जो हमारे प्लांट का होता है ग्रीन एंड टेंडर स्टेम को हम लोग हर्ब कहते हैं। आइए मगर अगला वीडियो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। प्लांट्स विच स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक इज कॉल्ड। अगर आपको दोस्तों इसी वीडियो अच्छी पसंद आती है उस वीडियो को लाइक करते, चैनल पर रहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे आप सभी तक सबसे पहले, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए देखते हैं आंसर क्या है। ट्री सर्व हर नानिश में आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्व। प्लांट जो होता है स्टेम का सर्व जो है एकदम फ्रूटफुल हो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अगर आपको इसका पीडीएफ है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दी ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना पेटियोल वेनस। रनिश में आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैमिना। लैमिना जो होता है ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ होता है। अगला क्वेश्चन होगा व्हाट इज द कॉल टू मेन रूट, लेटरल रूट टाइप रूट स्टील रूट। इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी टाइप रूट को हम लोग नो टू मेन रूट कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। द एयर इंटर्स इनटू द लीफ बाय जाइलम के द्वारा कॉर्टेक्स स्टोमेटा फाइलम। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टोमेटा के द्वारा एयर जो है लीफ में जाती। दी एयर इंटर्स इनटू द लीफ बाय स्टोमेटा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोकोआ इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट सीड लीफ स्टेम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सीड जो है वहाँ कोकोआ कहाँ से मिलता है सीड से। आइए अगला भी क्वेश्चन देखते हैं। वो इज कॉल द फ्रेंड ऑफ फार्मर्स रेड पैरोट अर्थ और नन। इसमें आपका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थ आर्म को हम लोग फ्रेंड कहते हैं फार्मर का। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। विच डज बियर लीव फ्लावर एंड फ्रूट टाइप रूट फाइबर रूट स्टेम। नन इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी स्टेम को हम लोग बियर लीव फ्लावर एंड फ्रूट कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
थ्रू विच प्रोसेस लीव्स गिवन आउट वाटर वेपर ट्रांसपीरेशन फोटोसिंथेसिस वेनेशन नन इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपीरेशन के द्वारा प्रोसेस लीव्स जो है गिवन आउट होती है वाटर वेपर में। आइए अपने अगले क्वेश्चन देखते हैं। स्नेल्स मूव विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फूट बॉडी मूवमेंट बोथ नन इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मस्कुलर फूट के द्वारा स्नेल्स मूव करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज लाइट ट्रेवल सर्कुलर कर्व इन स्ट्रेट लाइन नन इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी में सी मीन्स इन स्ट्रेट लाइन। हाउ डज लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बल्ब फिलामेंट स्विच इलेक्ट्रिक इसमें आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिक सेल। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अपने अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए लाइव ही क्लास बना चला सकता हूँ, आप मुझे कमेंट कर बताइएगा। अगर आपको मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मैं आपको लाइव क्लास चला के पढ़ाऊँगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। अगर आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सभी के पास पहुँच जाए सबसे पहले CHSC जुड़े मैं हर अपडेट को आप तक सेंड करता रहता हूँ। पर दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।